जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। प्रेमियों, अध्यात्म मीडिया में पुनः फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज ब्रज दर्शन में हम आपको कराने वाले हैं बहुत ही सुंदर दर्शन, कंस का टीला। इसे कंस के अखाड़ा के रूप में भी बोलते हैं। कंस यहाँ अपना शारीरिक मजबूती, अपना योगाभ्यास वगैरह किया करता था, और विशेष रूप से इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ हमारे साथ डब्बू भाई हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और ये प्राचीन है स्थान है। यहाँ पर क्या क्या लीला हुआ है हमारे डब्बू जी बताएंगे। और पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दें, क्योंकि अध्यात्म मीडिया का जो संकल्प है लगातार ब्रज 84 कोस का दर्शन, इसमें प्राचीन पौराणिक स्थलों का खास करके इस पर विशेष महत्व दिया जाता है। तो आइए अब हम सुनेंगे कि ये कैसा स्थान है, कितना पुराना स्थान है, आज ये लुप्त के कगार पर क्यों है। डब्बू जी, राधे राधे। ये कंस का कैसा स्थान है, और कंस का यहाँ पे क्या लीला हुआ, भगवान ने यहाँ पे उसका वध किया, हमें दर्शकों को आप बताइए। ये कंस का अखाड़ा है, यहाँ पर वो मल्ल विद्या किया करता था। यहाँ उसके पहलवान चांडूल, मांडूल, सल, तोसल आदि लोग मिलकर अखाड़े पर व्यायाम, कुश्ती वगैरह किया करते थे। कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए यहाँ पर एक स्वयंवर का आयोजन किया, और अक्रूर जी के द्वारा उनको बुलवाया। जब कंस, कृष्ण और बलराम यहाँ आए तो रास्ते में उन्होंने कुब्जा नाम की एक महिला को, कुबड़ निकला हुआ था, वो कंस का चंदन लेकर के आ रही थी, उससे चंदन जबरदस्ती छीन कर लगा लिया और उसको ठीक कर दिया, लात मार के उसका कुबड़ ठीक कर दिया और उसको एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित कर दिया। वहाँ से आगे आने पर उन्होंने शल, तोशल, चांडूल और मांडूल आदि पहलवानों का वध किया, कुबलिया पीढ़ हाथी को मारा, और बाद में यहाँ कंस को चोटी पकड़ करके धरती पे पटक के मार डाला। तो यहाँ जो स्थान है, यह प्राचीन 5,500 वर्ष का यह प्राचीन, हाँ जी, ये कंस के जमाने का स्थान है, इसको रंगभूमि बोलते हैं। तो यहीं पर वध किए थे क्या भगवान कृष्ण कंस का? मथुरा में रंगभूमि में कंस का वध हुआ, और जन्मभूमि में कृष्ण का जन्म हुआ। हमारे डब्बू जी हैं, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने आप बताया हम सबको। अब हम आपको दर्शन कराएंगे कि वो उसका प्रतीकात्मक जो अभी मूर्ति यहाँ बना हुआ है। ये अखाड़े के हनुमान जी हैं, जिनकी पूजा मानसिक रूप से नंद बाबा ने की। इनका नाम चिंताहरण हनुमान जी है। जो भी भक्त इनसे अपने मन से प्रार्थना करता है, ये उसको चिंता मुक्त करते हैं, उसकी समस्त चिंताओं का हरण करते हैं। इन्होंने नंद बाबा की चिंता का हरण किया, बालकों ने बलवान कंस को मार डाला। तो जैसा कि हमारे डब्बू जी ने बताया कि ये चिंताहरण हनुमान जी महाराज, और ये भी प्राचीन है भगवान कृष्ण के जमाने के, उसी जमाने के साहब। ये प्राचीन स्थान है, और कृष्णकालीन यह स्थान है, और एक समय ऐसा हुआ करता था, आज भी रोड से ये टीला जो है काफ़ी ऊंचा है। बरसात में ये टीला योजनों ऊपर था, वक्त की मार और बरसात की मार ने इसको अब वर्तमान स्थिति में पहुंचा दिया है। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं कि कंस का प्रतीकात्मक कृष्ण बलराम के साथ यहाँ मूर्ति है, और भी पीछे हम चल के दर्शन कराएंगे कहाँ वहाँ अखाड़ा हुआ करता था। जैसे भाई साहब ने बताया, निश्चित बताया कि मिट्टी का टीला था, बरसात से या 5,500 वर्ष बहुत एक समय होता है, तो धीरे धीरे, लेकिन आज भी लगभग ये 30-40 फीट ऊंचा है धरती से। तो अभी हम चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कंस का विग्रह, कंस का केस पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण,
बाएं से देख रहे हैं आप, कंस का केस पकड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, और साथ में खड़े हैं उस तरफ दाएं में बलराम जी खड़े हुए हैं, और बीच में मध्य में कंस हैं। तो ये प्रतीकात्मक एक विग्रह बनाया गया है ताकि लोगों को यह समझ में आ सके कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध यहीं किया था। तो अब हम ये प्राचीन स्थान का दर्शन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और अब चलते हैं हम मल्ल युद्ध स्थान, कंस का जो अपना मल्ल किया करता था उस स्थान को देखेंगे, आज भी प्राचीन स्थान विराजमान है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कंस का वह मल्ल युद्ध स्थान जहां वो अपना पहलवानी कसरत किया करता था। ये आज बहुत संक्षिप्त और छोटा रूप में हो चुका है, लेकिन स्थान वही है, भूमि वही है, मिट्टी वही है, लेकिन यह टीला मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए। देखिए आज भी यहाँ पर काफ़ी यहाँ के स्थानीय जो पहलवान हैं बात करते हैं, मिट्टी शुद्ध है। और यह स्थान इसलिए बनाया गया है कि वो परंपरा आज भी दर्शकों को देखने को मिले, तो यहाँ पर आज भी पहलवानी करते हैं लोग। और काश आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ऊँचे हैं हम लोग काफ़ी ऊँचे हैं। यहाँ पर आकर के हम आपको दिखाना चाहेंगे, अभी जैसे हमारे डब्बू भाई जी ने ये बताया है कि ये जो वृक्ष है सामने, जो वृक्ष दिख रहा है ये 800-850 वर्ष पुराना वृक्ष है। ये ऐसे तो है बहुत प्राचीन वृक्ष कंस के ज़माने का, लेकिन बता रहे थे कि भैया कि अभी ये उस समय ये लुप्त हो चुका था, लेकिन ये अचानक फिर निकल आया है। ये लगभग 800-850 वर्ष के हमारे जो पूर्वज हैं वो बताते हैं कि फिर ये वापस वृक्ष निकल आया है। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि ये टीला कितना ऊंचा है, आपको देख सकते हैं कि तीन तीन चार चार तल्ले के मकान हमारे बराबर में है अभी। तो ये हम पहुँच चुके हैं कंस टीला, और प्रेमियों आप दर्शन कर रहे हैं कंस टीला का जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, मतलब कृष्ण का अवतार कंस का वध के लिए ही नहीं हुआ था, यहाँ से तो उनका अवतार प्रारंभ हुआ था। इसके पहले तो ठाकुर जी ने बाल लीलाएं की ब्रजवासियों के साथ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लगातार हम प्रयासरत हैं कि आप तक हम बहुत सुंदर सुंदर ब्रज का दर्शन पहुंचाते रहें। आपका जो समय निकाल करके आप जो देखते हैं मुझे, यही मेरी हिम्मत है। आइए फिर मिलेंगे आपसे पुनः ब्रज दर्शन में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।